मैं राममूर्ति वर्मा 55 लोकसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। अकबरपुर से विधायक हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूं। हम ये एमपी का चुनाव श्री मुलायम सिंह यादव को इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं और हम सभी समाजवादी के लोग श्री मुलायम सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, रोजगार के क्षेत्र में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर है और आपने देखा है कि हमने 12 पास छात्रों को लैपटॉप इसी दृष्टिकोण से देने का काम किया है जिससे पढ़ने लिखने के बाद इनको रोजगार के ज़्यादा अवसर मिल सकें। और कौशल किशोर योजना को चालू किया गया है। तमाम योजनाएं हैं जिससे लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सके। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है शिक्षा की क्षेत्र में हमने सबसे अधिक काम किया है। झुग्गी झोपड़ी के लोग, किसान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के लोग शिक्षित हो सकें, इनके लिए शिक्षा को हमने मुफ्त करने का काम किया। कन्या विद्याधन योजना चलाने का काम किया। पढ़े बेटियां योजना चलाने का काम किया। तमाम योजनाएं हमने लागू किया है। देखिए, महिलाओं का हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा से सम्मान करती है और आपने देखा है महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा हो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अलग से कोर्ट भी निर्धारित किया है कि कहीं अगर इनके मान सम्मान को खतरा हो तो तत्काल उस पर कार्यवाही हो। सांसद होने के बाद पहले हम जितना भी वादा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट भी है और अभी 3 वर्ष का शासनकाल शेष है, तो जितने भी वायदे हम करेंगे उसको 4 साल नहीं, उसको हम 2 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे।